आज से शुरू हो रहा है नवरात्रा, नवरात्रा शुरू हो रहा है इसलिए हम व्रत वाला नाश्ता बनाएंगे आज, जिसके लिए हम इस कप से एक कप साबूदाना भिंगो कर रखे हैं, 3 घंटा भिंगो कर रखे हैं। देखिए साबूदाना अच्छे से भींग गया है, अब हम इसका नाश्ता बनाएंगे। पहले नाश्ता के लिए चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए 1/2 कप दही लिए हैं और 2 बड़े चम्मच मूंगफली लिए हैं। इसको सूखा ही रोस्ट कर लिए हैं, इसका छिलका सहित इसको पीस लेंगे, दरदरा पीस लेते हैं। दही को पहले अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे। फिर हम इस पीसे हुए मूंगफली को दरदरा पीस लिए हैं, इसको डाल देंगे इसमें। और इसमें हम 1 चम्मच सिंधा नमक डाल देंगे, व्रत वाला नमक इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चटनी को साइड में रख दिए हैं, अब हम इस साबूदाने को पीस लेंगे इस मिक्सी जार में डालकर। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और पीस लेंगे। इस तरह से साबूदाने को पीस लिए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब हम 2 आलू लिए हैं, इसको कद्दूकस करके, छोटे छोटे आलू हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। ये उबले हुए आलू हैं, इसको कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को कद्दूकस कर लिए हैं, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे स्वाद के अनुसार, नमक डालेंगे, सेंधा नमक है जो व्रत में खाते हैं वो डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे इसमें। और 2 चम्मच दही डालेंगे, आप जो नहीं खाते हैं व्रत में वो ना डालें, बाकी सब डालकर बनाएं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। डोसा का बैटर बनाते हैं उस तरह से इसका भी बैटर बना लें। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। देखिए बहुत गाढ़ा हो गया है, इसमें पानी
मिक्स करके इसका बैटर अच्छा तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसका बैटर तैयार कर लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच, और इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। अब हम एक तवा लिए हैं, तवा में थोड़ा सा घी, घी से लगा देंगे। व्रत में घी ही खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, इसलिए हम घी लिए हैं। इसको अच्छे से लगा देंगे इसमें घी। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। बहुत मोटा नहीं बनाना है, ना बहुत पतला बनाना है। इसको हल्का हल्का इस तरह से फैला देंगे। बहुत पतला भी नहीं बनाना है, बहुत मोटा भी नहीं बनाना है। और इसको जब तक नहीं पलटेंगे तब तक कि ऊपर से पूरा पक ना जाए, पकने देते हैं। अभी देखिए ऊपर से ये पक गया है पूरा। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा पक रहा है ये। देखिए साबुदाने का चिल्ला ये दोनों तरफ से इस तरह से पक गया है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसमें थोड़ा सा घी लगाकर फिर दूसरा डाल देंगे। इसी तरह से इसको भी पकने देंगे। देखिए चिल्ला कितना सुंदर बनते जा रहा है। सारा चिल्ला इस तरह से बना लीजिए। इसको निकाल लेते हैं। अब हम दूसरे को बनाएंगे। देखिए ये हमारे साबुदाने का चिल्ला तैयार हो गया है। ये दही की चटनी के साथ ये चिल्ला बहुत टेस्टी लगता है और व्रत में ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये चिल्ला बनाइए व्रत में और खाइए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।